Dear students, how are you? Today we'll study about third chapter of EVS. This video is for class second students. Look at the picture. ये क्या है? This is house. And who lives inside it? इसके अंदर कौन रहता है? You live in your house. I live in my house. Okay? Everyone lives in his or her house. So a group of members या group of persons जो कि house में रहते हैं वो family कहलाते हैं. You know, you have a mother, you have a father, you have also grandparents. So सबको मिला के family बनता है. तो आज का जो topic है family है and we'll talk about family and its types. ये this family belongs to Tony. ये Tony का family है. Look at the picture, Tony. और टॉनी की बहन टीना, देयर आफ्टर टॉनीज फादर एंड टॉनीज मदर. टॉनी हैज अ स्मॉल फैमिली व्हिच इज हैप्पी फैमिली. टॉनी के पास स्मॉल फैमिली है, हैप्पी फैमिली है. इस फैमिली को क्या कहेंगे हम? इस फैमिली को बोलेंगे अ न्यूक्लियर फैमिली. इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? न्यूक्लियर फैमिली. जिस फैमिली में सिर्फ आपके पेरेंट्स रहते हो और आप लोग रहते हो. A nuclear family has only parents and their children. उसको हम nuclear family बोलेंगे. And now nuclear family को आगे चलकर दो भागों में बांटा जाता है. A small nuclear family and large nuclear family. अब हम इस पिक्चर की सहायता से समझेंगे कि small nuclear family क्या है. वैसा family जिसमें maximum दो children हो और मम्मी पापा पेरेंट्स हो, वैसे फैमिली को बोलेंगे स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली. और वैसा फैमिली जिसमें पेरेंट्स के अलावा तीन या तीन से अधिक चिल्ड्रेन हो उसे लार्ज न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे. स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली हैज ओनली पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रेन. यू कैन सी टोनी, टोनी की सिस्टर और उनके पेरेंट्स, ये मिलाकर एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होता है. बट अगर लार्ज न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, माय डियर स्टूडेंट्स, अ लार्ज न्यूक्लियर फैमिली हैज पेरेंट्स एंड थ्री और मोर चिल्ड्रेन. आप देख सकते हो यहाँ पे तीन बच्चे हैं, थ्री चिल्ड्रेन है. ओके, तीन या तीन से अधिक बच्चे वाले फैमिली को और इंक्लूडिंग पेरेंट्स, उनको बोलते हैं लार्ज न्यूक्लियर फैमिली. वंस अगेन आई रिपीट हियर, एक लार्ज न्यूक्लियर फैमिली वैसा फैमिली होता है जिसमें पेरेंट्स के अलावा थ्री या थ्री से अधिक चिल्ड्रेन हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द पिक्चर. ये टॉनी है और इस फैमिली में टीना भी है क्योंकि टॉनी की बहन है और टॉनी के फादर है. इस फैमिली में टॉनी रहता है, टॉनी की बहन टीना रहती है और टॉनी के फादर रहते हैं. इस फैमिली को हम क्या बोलेंगे? टॉनी की मदर नहीं है, सो सैड. इस फैमिली को क्या बोलेंगे? इस फैमिली को बोलेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली. जिस फैमिली में बस पेरेंट एक ही पेरेंट हो, माँ या पिता, मदर या फादर अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उस फैमिली को हम बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली. सो स्टूडेंट, इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम फैमिली. यहाँ पे टॉनी है, टॉनी की बहन सिस्टर टीना है और टॉनी की मदर है. इस फैमिली में टॉनी दूसरा टॉनी है और इसमें टॉनी के पिता नहीं है, विच इज वेरी सैड. बट इस फैमिली को हम क्या बोलेंगे? सिंगल पेरेंट फैमिली बोलेंगे बिकॉज इसमें एक ही पेरेंट है, टॉनी की मम्मी. इसके पहले टॉनी के फादर थे. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक समझा कि सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होता है. ओके, यू कैन से इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली चिल्ड्रेन लिव विद इधर डियर मदर और फादर. इट मीन्स कि एक सिंगल पेरेंट फैमिली में चिल्ड्रेन जो होते हैं अपने मदर या फिर फादर के साथ रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इस पिक्चर को देखिए आप. लुक एट द पिक्चर, इट इज नॉट अ सिंगल पेरेंट फैमिली. ये न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं है. तो ये कौन सा फैमिली है? हो सकता हो आपके पास ऐसा फैमिली हो. आप ध्यान दो आपके घर में कौन कौन रहते हैं? आंटीज, अंकल्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स. अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं यानी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपके फादर और मदर,
आपके अंकल और आंटी और चिल्ड्रेन और कजिन्स वगैरह रहते हैं तो वो फैमिली एक साथ रहते हैं तो ज्वाइंट फैमिली होता है। या फैमिली का अलग पैक है, द फैमिली विच हैज ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल आंट्स एंड चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस। एक घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं, अंकल और आंटी भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, उस फैमिली को बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, आप जब समर वेकेशन सेलिब्रेट करते हो या विंटर वेकेशन पे जाते हो कहीं पे, ओके, तो आप रिलेटिव्स के पास जाते हो, लेकिन आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो डजंट मैटर, आपके पास कोई आता है और आपके घर का मेंबर है लेकिन कहीं दूर बाहर जाकर पढ़ाई करता है, यू कैन सी द फैमिली। ये फैमिली टोनी की फैमिली है, मतलब ये टोनी के पिता के भाई है और ये अपने बच्चों को लेकर मुंबई रहते हैं जबकि इनका घर न्यू दिल्ली में है, ओके, लेकिन ये ओकेजन पे आते हैं, फेस्टिवल पे आते हैं, दीपावली पे आते हैं, होली पे आते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने आते हैं और इनका घर वही है लेकिन रहते कहीं और है। ऐसे फैमिली को हम बोलेंगे एक्सटेंडेड फैमिली। जस्ट ट्राई टू लर्न दिस, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हु मे नॉट लिव इन द सेम हाउस एज अदर मेंबर्स, वो एक ही फैमिली का मेंबर है लेकिन वो उसी घर में नहीं रहता, कहीं और रहता है, पर्पस कुछ भी हो सकता है, वहां पर उनकी नौकरी हो या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गए हो, दे आर कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली, उनको एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। एंड दे गेट टुगेदर ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजंस एज आई टोल्ड यू, फेस्टिवल पे, शादी पे, ऐसे ही ओकेजंस पे उन लोगों का मिलना होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ आई वुड लाइक टू रिपीट व्हाट आई रेड, हमने जो स्टडी किया मैं उसको एक बार बताना चाहूंगा शॉर्टली। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फैमिली, जिसमें सबसे पहले पढ़ा स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली, ओके स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमने एक्सटेंडेड फैमिली को भी पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियोस को आप बार बार वॉच करें एंड ट्राई टू लर्न टाइप्स ऑफ फैमिली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली होते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियोस पीडीएफ को हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करें, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।